एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आए हैं और वो है ये दलिया। ये दलिया को ना मैंने 2-3 बार धो लिया है, आधा कप लिया है। और ये देखिए, पतंजलि का दलिया है। ये मैं जो आज बनाने जा रही हूँ वो पतंजलि का दलिया है, गेहूं का दलिया है। तो ये देखिए, हमने इसको 2-3 बार धो लिया है पानी से ताकि अच्छे से निकल जाए। आप जाली में करके भी धो सकते हैं। 2 चम्मच मैंने तेल डाल दिया है इसके अंदर। आधा चम्मच मैं डालूंगी इसमें जीरा। कुकर में बनाने वाले हैं हम। ये देखिए, थोड़ा ही ऑयल पहले डालेंगे, जीरा तड़कने देते हैं। जीरा भुन गया है, इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये धुला हुआ दलिया। इसको एक बार भून लेंगे, चला लेंगे दलिया को। गैस को धीमा रखेंगे। थोड़ा सा इसमें हम नमक डालेंगे, थोड़ा नमक हम सब्जियों में भी डालने वाले हैं। तो इसके साथ ही हम इसमें ये पानी डाल देंगे। और देखिए, ऐसा रखना है कि दलिया अच्छे से डूब जाए, क्योंकि हमने ये बहुत पतला नहीं बनाना है दलिया ना, जैसे मैंने पहले बनाए हुए हैं आपको अलग अलग दिखाया हुआ है दलिया। ये थोड़ा सा हम थिक रखेंगे। और ये देखिए, मैंने 1 कप से थोड़ा कम पानी डाला है। 3/4 कप आप डाल के देख लीजिए, क्योंकि दलिया धुलने में भी पानी होता है। ये देखिए, इस तरह का जब ये कुछ हो जाए, इसको हम कुकर को कवर करेंगे और 1 विसल आने के बाद ना बंद कर देंगे। जब तक कुकर में विसल आती है, हमने तेल गरम होना रख दिया है। उसमें 1/2 चम्मच हमने राई डाल दिए, मस्टर्ड सीड्स डाल दिए हैं। 1.5 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, कम ज्यादा आप कर सकते हैं। ऊपर से डालेंगे हम कुछ कड़ी पत्ता। और जब राई तड़क जाए, कड़ी पत्ता आपका अच्छे से ये ड्राई हो जाए, तो आप डालेंगे इसमें ये कटा हुआ प्याज। 1 बड़ा प्याज हमने काट लिया है। सब्जियां आप जितना चाहें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें ब्रेकफास्ट के लिए बना रहे हैं। साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें ये कटी हुई हरी मिर्च, ये भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। सब्जियां आप इसमें बीन्स डाल सकते हैं, कॉलीफ्लावर, गोभी डाल सकते हैं, ब्रोकली डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है वो सब्जियां आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं, प्याज जो है वो भुन गया है अच्छे से। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आप चाहें तो डालिए, स्किप भी कर सकते हैं। हल्दी को थोड़ा पकने देते हैं। और साथ ही हम डालेंगे इसमें 1 ही कटी हुई गाजर। गाजर क्योंकि थोड़ा देर से गलती है, इसलिए हमने सबसे पहले प्याज के साथ गाजर डाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सके। अब हम साथ ही इसमें टमाटर डाल देंगे, 1 कटा हुआ टमाटर जो हमने लिया है वो डाल देंगे। और ये मैंने बॉईल कर लिया है, 1/4 कप मटर है, 1/4 कप कॉर्न है, इसको भी हम साथ में डाल देंगे। बीन्स हैं तो आप बीन्स भी डाल सकते हैं। इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा नमक डालेंगे यहां पर, क्योंकि नमक हमने दलिये में भी डाला है। और 1/2 चम्मच के करीब ना हम ये ग्रेटेड अदरक डालेंगे। अगर आपको पसंद नहीं है नहीं डालिए, अगर आप पहले अदरक डालेंगे ना तो वो चिपकने लग जाएगा। इसमें टमाटर सब्जियों के साथ अदरक जो है वो अच्छे से पक जाएगा। तो सब्जियां पकने की इंतजार करते हैं। हमने थोड़ी देर ढककर ना सब्जियों को पका लिया है। गाजर भी हमारी गल गई है। अब हम इसके साथ ही ना इसमें लास्ट में शिमला मिर्च डालेंगे। 1 शिमला मिर्च को मैंने काट लिया है। शिमला मिर्च थोड़ा क्रंची अच्छी लगती है, तो इसको हम खुले में ही पकाएंगे। और इसी समय हम नमक चेक कर लेंगे। 2 पिंच हम इसमें काली मिर्ची डालेंगे।
ये ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च हमने 2 पिंच डाली है, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा इसको ना सौते करेंगे कैप्सिकम को, तो ये बहुत बहुत यम्मी लगता है। कितनी सारी सब्जियां जाती हैं, ये कम से कम 1.5 कप सब्जियां हो गई होंगी, मोर देन दैट, तो बहुत बहुत हेल्दी बनेगा ये। जब तक सब्जियां पकती हैं तब तक हम ये दलिया दिखा देते हैं आपको। देखिए ये इस तरह से पक गया है क्योंकि हमने 1 से 1.5 चम्मच तेल डाला ना नीचे, 1 चम्मच, तो ये देखिए ये क्या है, उपमा के जैसे बन गया है। और एक ही विसल में आप यकीन करेंगे गला हुआ होता है, बिल्कुल गला हुआ। तो ये आपका इस तरह से देखिए खिला खिला। एक आप और ध्यान रखिएगा, जो कुकर गहरे और छोटे होते हैं ना उसमें ना बनाएं, ऐसे खुला खुला बनाएं ताकि ये बिल्कुल ऐसे चिपके नहीं आपस में। और बहुत बहुत ही परफेक्ट हमारा ये बैठा है कि हमने दलिया धो के रखा, आधा कप दलिया लिया, अच्छे से भरा हुआ था कप, और उसके बाद हमने इसको बॉईल करने रखा, तो 1 कप से कम पानी लिया हमने, थोड़ा सा 1 कप से कम पानी लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको मिक्स करके, और एक ही विसल में ना ये इतना अच्छा हो गया। और जो आप वैसे बनाते हैं ना दलिया थोड़ा पतला जो खाना चाहते हैं, उनके लिए फिर ये थोड़ा सा पानी आप ज्यादा कर सकते हैं, बट ये मैं ब्रेकफास्ट में जैसे उपमा बनता है ना उस तरह से आपको बता रही हूं। तो हमने सारा दलिया डाल लिया है इसके अंदर, कढ़ाई के अंदर सारी सब्जियां हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, देखिए कितनी सारी सब्जियां हैं, कितना हेल्दी ये दलिया है, अच्छे से गला हुआ है, हमने खाकर इसको अच्छे से देख लिया है। एक विसल आने के बाद प्रेशर जो है वो अपने आप रिलीज होने दें, ठंडा होने दें कुकर को, और जब तक आप सब्जियां तैयार करेंगे ना तब तक ये दलिया बनके तैयार हो जाता है। तो 1 मिनट के लिए हम इसको मिक्स करके ढककर पकाते हैं और फिर प्लेटिंग करते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये उपमा जो है खिला खिला बन गया है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप किसी बड़े बुजुर्ग के लिए बना रहे हैं तो आप पानी ज्यादा डाल दीजिए ताकि वो गला सा हो जाए, बट अगर आपको ये दलिया इस तरीके से बनाना है, उपमा के स्टाइल में बनाना है, तो इस तरह से बनाइए। आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। और ये देखिए हमारा ये यमी सा उपमा बनकर तैयार है, आप इसको हरी चटनी के साथ खाइए। ये देखिए खिला खिला बना है ना बिल्कुल, कितना बढ़िया ये बना है। फ्रेश हरे धनिए की चटनी है, उसके साथ लाजवाब लगता है। ट्राई जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।